哎，jenab 199。这个哦，OK。它有两款。哦，OK。帽子。帽，哦耶。这个没有帽子。也199。对，一样的，199。哦，好。哦好，ठीक हो गया। तो ये जनाब 199 जो, तो ये जनाब 199 RMB के आपको मिलेंगे यहाँ पे इस शॉप में, और जो कि पाकिस्तानी बन जाता है 8,000। तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं ना, गुड क्वालिटी के, दैट्स वाई ये 200 RMB के हैं। बाकी जो सस्ते वगैरह अगर आपने लेने हैं 20-20 RMB के या 30-30 RMB के, तो भाई साहब वो भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ सेल हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे हेडफोन वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे ग्लोब्स वगैरह हैं, और आगे चल के देखते हैं। ये जो शॉपिंग एरिया मुझे लग रहा है ना, ये मिक्स्ड, यहाँ पे मुझे मिक्स्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक हेडफोन वगैरह भी मैंने देखे हैं, और हेयर ड्रायर वगैरह, और कुछ जो है ना वो मोबाइल फ़ोन की शॉप्स, लैपटॉप्स की शॉप, तो मिक्स प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है ना वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आपको मिलेंगे, वहाँ भी जाएंगे। किसी एरिया में आपको लैपटॉप्स की शॉप मिलेंगी, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह जाएंगे। ये देखो टॉर्च वगैरह, लाइटें, कैमरा वगैरह, भर से शेंजन के अंदर इस जिस एरिया में मैं अभी आया हूँ, दुनिया भर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को डील करने वाले लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो इस एरिया में आते हैं। अभी मैं देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंडिया से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, यूरोप से भी नज़र आ रहे हैं, तो वो सब लोग इधर आते हैं, यहाँ पे आके जो होलसेल जो ब्रोकर होते हैं उनसे आके बात करते हैं, और उसके बाद फिर डील वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग करवा के, तो फिर उसके बाद शिपमेंट करवाते हैं वो। तो ज़्यादातर जो है ना वो लोग यहाँ पे आते हैं, जो बाकी इंडिविजुअल लोग अगर किसी ने लैपटॉप बाय करना है या कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना है, वो लोग भी डेफिनेटली आते हैं। ज़्यादातर बेसिकली वो लोग आते हैं जिन्होंने बल्क में चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। ये देखो ड्रोन वगैरह, ये DJI के जो कैमराज हैं, ड्रोन वगैरह। DJI का जो हेड है ना, हेड ऑफिस, वो भी इसी शेंजन सिटी में है। तो ये जो सिटी, जब से ये इन्होंने इनोवेशन करना स्टार्ट किया ना 1980 से लेके अब तक तकरीबन 44 ईयर्स हो चुके हैं, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि टेंसेंट, हुआवे, ZTE और DJI जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी जो पूरी दुनिया में अपना नाम रखती हैं, वो सारी की सारी इसी सिटी से पैदा हुई हैं, इसी सिटी से उन्होंने जन्म लिया है, और आज दुनिया में राज कर रही हैं वो। तो भाई साहब शेंजन को एम ए नहीं कहते, इस कोई वजह है, कोई खास वजह है जिसकी वजह से शेंजन का इतना नाम है, और ये टेक्नोलॉजी का लीडिंग हब बन चुका है, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ये भाई अच्छा, ये यार वो है, अच्छा ये डाटा केबल वगैरह हैं, USB चार्जर वगैरह, हेडफोन वगैरह हैं यहाँ पे, और कितने कितने के मिल रहे हैं, कीमत तो मेरे ख्याल ऊपर नहीं लिखी हुई, पूछना पड़ेगा, और सस्ते ही होंगे यार, ऐसी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि यार आपने क्या कुछ ख़रीदना है, अपनी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो ऐसा वैसे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, चार्जर वगैरह, डाटा केबल वगैरह, ये वो हेडफोन वगैरह सारा कुछ है मेरे पास, तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो ये एप्पल के लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से सेकेंड जो कॉपी होती है ना वो है, तो इस तरह से है। मैंने भाई ये पता नहीं कितने का है, पूछता हूँ मैं इनसे। एक्सक्यूज मी, चिका दो शुच हैं, ये भाई जो शुच हो, ये है जनाब 199। ओके ये 这个没有帽子。199。对，一样的，199。好。ठीक हो गया। तो ये जनाब 199 RMB के आपको मिलेंगे यहाँ पे
इस शॉप में, और जो कि पाकिस्तानी बन जाता है 8,000। तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं ना, गुड क्वालिटी के, दैट्स वाई ये 200 RMB के हैं। बाकी जो सस्ते वगैरह अगर आपने लेने 20-20 RMB के या 30-30 RMB के, तो भाई साहब वो भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो है ना, ये 200 RMB के हैं, तो आप यूँ मान के चलो कि 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में ये जो मैंने आपको हेडफोन दिखाया है ना, ये आपको मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा यार, ये देखो ये क्या है, ये मेरे ख्याल से पावर बैंक्स हैं। ये देखो पावर बैंक 22.5 फास्ट चार्जिंग, तो ये पावर बैंक है मेरे भाई। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, ऐसी कंपनी तो शायद हम लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शेंजन के अंदर जितनी बड़ी है मार्केट है, जितना बड़ा ये सेंटर है, तो यहाँ पे तो यार आप लोगों को अनगिनत ब्रांड्स मिलेंगे ना, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि कौन कौन सी कंपनी है, ये तो देख के पता चलेगा। बाकी जो रिनाउंड कंपनीज़ होती हैं, मशहूर कंपनियाँ होती हैं, उनका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियाँ भी होंगी जो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगी। अपना कंप्यूटर अगर आपने बिल्ड करवाना है ना मदरबोर्ड के साथ, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी का लगवा के, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखो उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कंप्यूटर बनवा सकते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का पीसी बनवाना है तो वो भी बनवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का ग्राफिक कार्ड, मर्ज़ी का मदरबोर्ड, मर्ज़ी का प्रोसेसर, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी का लगवा के उसको जो है ना वो आप तैयार करवा सकते हैं, और उसके बाद आप उसको पैक करवा के अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे चाइना के अंदर ख़ासतौर पर इस मार्केट में आप लोग इवन के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना अंदर कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंप्यूटर चिप्स लगी होती हैं, वो भी सेपरेटली अगर बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो मतलब हर चीज़ मिल जाएगी भाई साहब। तो टेक्नोलॉजी हब दुनिया का किसी वजह से कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि कैमरा और उसके लेंसेज। अच्छा यूज्ड जो आईफोन वगैरह है ना वो भी आपको मिल जाएंगे। ये यूज्ड आईफोन देखो आप लोगों के सामने, यूज्ड आईफोन एप्पल के यूज्ड आईफोन भी आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा हुआवे के भी यूज्ड आपको सेकंड हैंड मिल जाएंगे, ये सारे वो लगे हुए हैं। ठीक है। माइक्रो एस डी मिनी मिनी ठीक है दोस्तों जी। USB. I want to see USB. USB. How much? 78. ये जो USB है ना ये 78 RMB की बता रहे हैं भाई साहब। सैंडिस्क की है 128 GB 78 UM। USB 3.2 This is the 65? Yes. 128. Go on. Do you have a cheap one? Do you have a low price? Less price? Low no cost. English. Oh. Okay. Oh.
USB. It's okay, it's okay. Maybe later. Okay, thank you. It's okay, thank you. अच्छा डिफरेंट डिफरेंट जो USPs हैं ना उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं. उन्होंने बताया कि 128 GB जो USP है वो 78 RMB की और 64 जो है ना वो 65 RMB की, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है ना, स्पीड के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है कीमत में ना. तो ये बात है, वो 100 MB पर सेकेंड था जबकि ये 130 MB पर सेकेंड. तो जिस हिसाब से स्पीड ज़्यादा होती है ना फिर उसी हिसाब से कीमत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. अच्छा ये सेकंड हैंड जो है ना एप्पल के लैपटॉप्स भी अवेलेबल है, ये देखो ये 2018 मॉडल है, 512 16 GB रैम और 512 इसका SSD है. मैकबुक प्रो 2018 छः हज़ार समथिंग RMB का भाई साहब वो मैकबुक प्रो था जो कि 2018 मॉडल है, 6000 something RMB 2018 मॉडल, 512 GB SSD एंड 16 GB रैम. तो मतलब जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं ना वो सेकंड हैंड भी महंगे ही मिलेंगे. एप्पल के जो जितने भी फ़ोन हैं या लैपटॉप्स हैं ना वो सेकंड हैंड आपको महंगे ही मिलेंगे, वो सस्ते नहीं मिलते यार. वो यार उनकी वैल्यू भाई साहब हाई है. मैंने एक USB का पता करना था, USB अगर मिल जाए, अब चेक करता हूँ अगर कोई अफोर्डेबल प्राइस में USB मिल जाती है ना तो वो लूँगा मैं. और एक दो और छोटा सा काम था, मोबाइल का जो है ना स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगवाना है, वो भी करवाऊँगा. लेकिन अभी देखूँगा कि कहाँ से कोई सूटेबल जो है ना वो प्रोडक्ट मिले. अभी प्राइस वगैरह का आइडिया मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, क्योंकि यार प्राइस का आइडिया करना ज़रूरी है. समटाइम ऐसा होता है जब आप इतने बड़े एरिया में आते हो ना तो प्राइस का आइडिया लेना ज़रूरी होता है. अगर आप क्विकली कोई चीज़ बाई कर लेते हो सकता है आपको महंगी भी मिल सकती है. अभी थोड़ा सा देखूँगा मैं और देख के उसके बाद अगर जो भी चीज़ लेनी हुई तो ऐसा कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो इंशाल्लाह ले भी लेंगे. और थोड़ा सा आइडिया कर लेना चाहिए, प्राइस वगैरह देख लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है ना तो यहाँ पे प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर सकती हैं. तो आपको कम प्राइस में भी चीज़ मिल सकती है, लेकिन वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आइडिया करना पड़ेगा ना, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी. मैं ऐसी मार्केट में जाता हूँ जहाँ पर स्पेसिफ़िकली मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स अवेलेबल हों, क्योंकि ये जो HQ मार्ट है ना इसके अंदर मिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं. तो मैं उधर जा रहा हूँ अब जहाँ पर स्पेसिफ़िकली लैपटॉप्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं और कैमराज वगैरह भी हैं. ये जो सामने है ना फ़ोन, ये है आप 2599 यानी कि 2599 RMB का, 256 GB और 16 GB. और अगर आप लोग लेते हो ना 12 GB और 512 GB तो ये मिलेगा आपको 2699 यानी कि 2699 इस तरह से. तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार 500, बल्कि हाँ. और अगर आप 1 TB लेना चाहते हो ना 16 GB के साथ तो 3299. और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो. 50 MP कैमरा है इसका, AI कैमरा, रेडमी का आई फ़ोन, रेडमी
और ये है जी K70। और इस तरह से ये फ़ोन आप देखो, ये 12GB 256GB 2299 ये वाला, जो कि बहुत अच्छा है प्राइस वाइज। और ये Redmi Note 12 Turbo तो ये आपको मिलेगा जी 1599, 12GB 256GB। और अगर आप लेना चाहते हो 16GB 256GB तो ये मिलेगा 1699, Note 12 Turbo। और अगर आप लोग ये लेना चाहते हो, टैब वगैरह लेना चाहते हो, तो टैब वगैरह भैया आपको ये सारा कुछ साथ में मिलेगा। इसका कीबोर्ड भी मिलेगा आपको साथ में, ये टैबलेट और साथ में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है वो भी मिलेगा। Xiaomi Pad 6 Max 14 8GB अगर लेते हो ना 256GB तो 3799, और अगर 12GB लेते हो और 256 लेते हो तो 3999। तो बन जाते हैं तकरीबन डेढ़ लाख के आसपास अगर आप लोग हाई एंड प्रोडक्ट लेते हो ना। तो डिपेंड करता है यार, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्राइस है, और आपकी नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग क्या लेना चाहते हो। तो अभी मैंने आपको जनरल एक आइडिया दिया है थोड़ा सा। अब मैं ज़्यादा देर शॉप में इस तरह से कैमरा लेके नहीं वो कर सकता, क्योंकि वो ऑफिशियल स्टोर है ना, तो फिर वो वहाँ पे कस्टमर वगैरह होते हैं ना, फिर वो माइंड कर जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाया आइडिया देने के लिए, और क्योंकि ज़्यादा फिर उनको बॉदर भी नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने बोला तो कुछ नहीं मुझे, लेकिन अपने तौर पर ख्याल करना चाहिए बंदे को ना, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से कैमरा लेके जाएंगे तो फिर डेफिनेटली कोई भी थोड़ा सा बॉदर हो जाता है यार। थोड़ा सा खुद ही ख्याल करना चाहिए इस कैमरे का। मतलब ये नहीं है कि आपने कैमरा उठाया और आप जिधर मर्जी चले गए और जो मर्ज़ी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। आपको अगले बंदे के जो राइट्स होते हैं उसका भी ख्याल करना पड़ता है, और प्राइवेसी का भी ख्याल करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत वो आपको अलो करते हैं तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो चाइना में यार ऐसा मसला कोई नहीं होता, यहाँ पे बहुत कैमरा फ्रेंडली। मैंने इतने कैमरा फ्रेंडली लोग अभी तक नहीं देखे दुनिया में, अभी तक जहाँ जितना मैं घूमा हूँ अभी तक मैंने नहीं देखे। क्यों? क्योंकि ये लोग कैमरा फ्रेंडली इतने ज़्यादा, ओपन सोसाइटी है यहाँ पे, वो नहीं है मसला मसाइल। चलो अब हम जाएंगे किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। अब देखना पड़ेगा कि वो कौन से एरिया के अंदर आती है। एरिया में मैं चल रहा हूँ, इसको फूटियान बोलते हैं, और ये एरिया जो है ना हांगकांग के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, बिल्कुल करीब है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैं कुछ दिनों तक जो है ना वो हांगकांग भी जा रहा हूँ, और वो वाली सीरीज़ भी बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। शेंजन सीरीज़ के बाद ना, जो शेंजन की जो जितने भी व्लॉग्स हैं, इसके बाद हांगकांग सीरीज़ के मेरे व्लॉग्स शुरू होंगे, तो वो भी आप लोग उन्हें ज़रूर देखने हैं। और अगर चैनल पे अभी आए हो ना, तो वो ज़रूर जो है ना चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग मेरी जो हांगकांग सीरीज़ है वो मिस ना करो। मैं हांगकांग का जो है ना वो पूरा एक्सक्लूसिव टूर करने वाला हूँ, और हांगकांग पूरा मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पूरा तो हैर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आप एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा आपको। मेरा जो व्लॉग्स हैं वो बड़े मज़े के और बड़े इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो इसलिए चैनल पर यार ज़रूर बन जाओ। और अच्छा, हांगकांग के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, वो कितना ज़्यादा थ्राइविंग और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। उसके बिल्कुल पास ये एरिया था जो कि एक फ़िशिंग विलेज छोटा सा था 40 साल पहले 1979 में। उसके बाद चाइना ने डिक्लेयर किया कि हम जो है ना वो शेंजन, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। 1979 में ये फैसला किया गया, और 1980 में, जस्ट एक साल के बाद, ये जो एरिया है ना ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था। और उसके अभी तकरीबन 45 ईयर्स हो चुके हैं, और अब ये एरिया भाई साहब आप पहचान नहीं सकते। अभी जो, अगर आप लोगों को मैं हकीकत बताऊं, तो शेंजन जो है ना वो हांगकांग को भी सरपास कर चुका है। शेंजन इज़ ऑल अबाउट न्यू मनी, वेयर एज हांगकांग इज़ ऑल अबाउट ओल्ड मनी। इसका क्या मतलब कि ओल्ड मनी का क्या मतलब कि जो हांगकांग है ना, हर जो चीज़ होती है ना, हर जो एरिया होता है उसकी एक लिमिट होती है ग्रो करने की। हांगकांग अपनी लिमिट को ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन वगैरह इतनी नहीं होती, ऑलरेडी जो बिजनेस एस्टेब्लिश हैं वो भी वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन शेंजन जो है ना, ये इनोवेटिव
सिटी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत लीप्स एंड बाउंड्स के साथ जारी है, और यहाँ पे जो है ना ये सिटी इतनी तेज़ी के साथ थ्राइव कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेयरली 40 ईयर्स के पास इसको टाइम हुआ है और इसकी जीडीपी पहुंच चुकी है $471 बिलियन। कैन यू इमेजिन दैट। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हांगकांग से आगे निकल चुका है, लेकिन हांगकांग के बराबर तो ज़रूर आ चुका है मेरे भाई। और जो है ना ये मतलब कहाँ छोटा सा फिशिंग विलेज जो कि हांगकांग के पास आज से 44 ईयर्स पहले होता था, और आज हांगकांग जैसा डेवलप हो चुका है। और इसके पीछे क्या वजह है, ये वजह तो आप लोग मेरे साथ एक्सप्लोर कर ही रहे हो। उसकी बहुत बड़ी वजह इसकी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है।